स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्लास टेंथ चैप्टर टू पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज टू पॉइंट थ्री की प्रॉब्लम नंबर वन है ठीक है तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाई द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड फाइंड एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द ठीक है आपके पास पी एक्स पोलिनोमियल गिवन है और जी एक्स पोलिनोमियल गिवन है और आपसे बोला गया है कि आपने इनका कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है ठीक है कोशेंट एंड रिमाइंडर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम जी एक्स को जो है पी एक्स के साथ डिवाइड करेंगे राइट सेम वे में हमारे पास तीन प्रॉब्लम्स गिवन है तो स्टेप बाय स्टेप हम जो है इन्हें सॉल्व करेंगे सो द फर्स्ट वन इज पी एक्स इसकी वैल्यू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री है और जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस टू है ठीक है तो सिंपली जैसे हम डिवीजन करते हैं वैसे ही हम इसे डिवाइड करेंगे सो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस टू आएगा राइट तो पहला टारगेट हमारा क्या है कि हमने ये एक्स क्यूब जो है इसे सॉल्व करना है तो अगर मैं एक्स स्क् माइनस टू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब आ जाएगा एक्स इंटू माइनस टू माइनस टू एक्स आ गया राइट तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया एक्स आ गया अब ये एक्स क्यूब आ गया यहाँ पे ठीक है और माइनस टू एक्स आ गया माइनस हो रहा है तो श्योरली इनके साइन चेंज हो जाएंगे सो so यहाँ पे माइनस आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया एक्स क्यूब के साथ एक्स क्यूब कैंसिल हो गया राइट एंड अब हमने ये माइनस थ्री एक्स स्क् राइट एंड फाइव एक्स प्लस टू एक्स ये सेवन एक्स आ जाएगा राइट एंड माइनस थ्री आ गया नेक्स्ट टारगेट है कि हमने ये माइनस थ्री एक्स इसे सॉल्व करना है तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस टू को माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो श्योरली माइनस थ्री इंटू एक्स स्क् माइनस थ्री एक्स गया माइनस थ्री इंटू माइनस टू ये हमारे पास प्लस सिक्स दे देगा राइट सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइनस थ्री अब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ गया ये जो प्लस सिक्स है ये हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे आ जाएगा अब हम इनका साइन चेंज कर देंगे इंटू माइनस प्लस आ गया ठीक है एंड माइनस इंटू प्लस माइनस आ जाएगा सो so, ये कैंसिल हो गया अब रिमाइंडर क्या रह गया सेवन एक्स माइनस थ्री माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस नाइन ठीक है इससे आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम अपना डिवाइजर देखें तो इसमें जो हमारे पास टर्म आ रही है या वेरिएबल आ रहा है उसकी हाईएस्ट पावर टू है तो अगर मैं इस होल टर्म को इनटू वन भी करती हूँ तो श्योरली तब भी मेरे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो टू ही आएगी इसलिए ये हमारा रिमाइंडर आ गया तो इस क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन क्या आ रहा है क्वेश्चन इज एक्स माइनस थ्री एंड रिमेंडर सेवन एक्स माइनस नाइन है सेकेंड में पी एक्स की वैल्यू एक्स की पावर फोर माइनस थ्री एक्स स्क्वा प्लस फोर एक्स प्लस फाइव है और जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वा प्लस वन माइनस एक्स है ठीक है तो जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो जिस वेरिएबल की हाइएस्ट पावर होती है पहले हम उसे लिखते हैं ठीक है फिर उसके बाद उससे कम वाली पावर सो यहाँ पे एक्स की पावर वन जो है एक्स स्क्वेयर से कम है सो माइनस एक्स आ जाएगा फिर उसके बाद हम कॉन्स्टेंट टर्म लिखते हैं राइट सो so, अब हम जो है पी एक्स को जी एक्स के साथ डिवाइड करेंगे x की पावर फोर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर एक्स प्लस फाइव है ठीक है और डिवाइजर हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन आ रहा है राइट तो अगर हम इस वैल्यू को देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्स पावर फोर सॉल्व करना है तो अगर मैं डिवाइजर को एक्स स्क्वायेयर के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ सो यू कैन राइट एक्स स्क्वायेयर माइनस एक्स प्लस वन ठीक है इसे आपने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया स्क्वायर 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 ये ये की पावर आ आ गया, X minus X, minus X आ गया, क्यूब प्लस एक्स गया अब हमने ऊपर ही बात की थी कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स लिखे जाते हैं ठीक है उनमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है पहले हम वो वेरिएबल लिखते हैं फिर उसके बाद उससे कम वाला तो यहाँ पे अगर देखा जाए जब आपने ये डिवाइजर को किसी आ, एक क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास माइनस एक्स क्यूब भी आ रहा है तो ये जो हमारा डिविडेंड है ये हमारा फिर से रीअरेंज करके लिखा जाएगा एक्स की पावर फोर के नीचे एक्स की पावर फोर आ गई माइनस एक्स क्यूब आ गया ठीक है प्लस एक्स स्क्वायर आ गया इस केस में क्वेश्चन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर ठीक है अब ये माइनस करना है तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया ये एक्स की पावर फोर कैंसिल हो गई राइट और आपके पास अब बाकी क्या रह गया है इट इज एक्स क्यूब ठीक है माइनस थ्री एक्स स्क्वायेर माइनस एक्स स्क्वायर ये हमारे पास माइनस फोर एक्स स्क्वायर दे देगा प्लस फोर एक्स सात में लिख लोगे प्लस फाइव ठीक है अब ये जो डिवाइजर है इसे फिर से हम जो है एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब सॉल्व करने के लिए राइट सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ठीक है इसे आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है सो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब आ गया माइनस एक्स इंटू एक्स ये हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायेर दे देगा एक्स इंटू वन ये एक्स दे देगा राइट right, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या आ गया प्लस एक्स राइट नाउ एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब आ गया ठीक है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ गया अब ये माइनस ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा कैंसिल हो गया ठीक है नाउ अगर आप देखो माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये हमारे पास माइनस थ्री एक्स स्क्वायर दे देगा राइट फोर एक्स माइनस एक्स ये प्लस थ्री एक्स दे देगा ठीक है अब साथ में हम प्लस फाइव लिख लेंगे नाउ द नेक्स्ट टारगेट इज कि हमने ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर सॉल्व करना है राइट सो so, अगर मैं इस होल टर्म को माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ तो मेरे पास माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ सकता है राइट अगेन करके देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ठीक है इसे आपने माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर ये माइनस थ्री एक्स स्क्वायर दे देगा माइनस थ्री इंटू माइनस एक्स ये हमारे पास प्लस थ्री एक्स दे देगा माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री दे देगा राइट दे 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 right? तो इस केस में क्वेश्चन क्या आ गया माइनस थ्री राइट नाउ नेक्स्ट इज माइनस थ्री एक्स स्क्वायर आ गया प्लस थ्री एक्स आ गया माइनस थ्री आ गया अब साइन चेंज हो जाएंगे सो प्लस माइनस प्लस आ गया ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल होगी फाइव प्लस थ्री ये हमारे पास एट रिमेंडर दे देगा राइट तो इस केस में अगर मैं कहूं क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री है और रिमेंडर इज एट राइट right? अब हम थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं इस केस में पी एक्स की वैल्यू एक्स पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स है और जी एक्स की वैल्यू हमारे पास टू माइनस एक्स स्क्वेयर है अगर हम जी एक्स को देखें तो ये हमारे पास अरेंज्ड वे में नहीं है ठीक है जब भी हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उसमें जिस वेरिएबल की पावर सबसे हाईएस्ट होती है पहले वो लिखा जाता है सो माइनस एक्स स्क्वायर ये पहले लिखा जाएगा फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म लिखी जाएगी सो प्लस टू आ गया राइट right, अब हम क्या करेंगे अब हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे एक्स पावर फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स के साथ राइट right? सो so, डिजर इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू राइट नाओ अब हमारा टारगेट क्या है कि हमने ये पहले एक्स पावर फोर सॉल्व करनी है राइट right? तो अगर मैं माइनस एक्स स्क्र प्लस टू को माइनस एक्स स्क्वायेयर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो श्योरली मेरे पास आंसर क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इट विल बी एक्स पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायेर इंटू टू ये माइनस टू एक्स स्क्वायर दे देगा अगेन अगर हम देखें तो हमारे पास डिविडेंड में एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है राइट right? तो हम ये डिविडेंड जो है इसको रीअरेंज करके लिखेंगे ताकि एक्स स्क्वायर के लिए जगह बना सके ये जो हमारे पास टर्म आई है इसे लिख लेंगे एक्स पावर फोर माइनस टू एक्स स्क्वायर ठीक है तो इस केस में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दैट इज माइनस एक्स स्क्वायेयर ठीक है तो माइनस प्लस ठीक है इनके साइन भी चेंज हो गए क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया इट इज़ टू एक्स स्क्वायेर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है कि हमने ये जो टू एक्स है इसे सॉल्व करना है तो अगर मैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू को माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास टू एक्स आ सकता है राइट right? आप करके देख लो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू ठीक है इसे आपने मल्टीप्लाई किया है माइनस टू के साथ सो माइनस टू इंटू माइनस एक्स स्क्वायर ये टू एक्स स्क्वायर दे देगा माइनस टू इंटू टू ये हमारे पास माइनस फोर दे देगा राइट right? नाउ इस केस में जो क्वेश्चन है दैट इज माइनस टू अब हम ये वैल्यू लिख लेते हैं टू एक्स स्क्वायर आ गया कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे कॉन्स्टेंट टर्म आ गई माइनस फोर राइट अब इसे सॉल्व करेंगे सो so माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा राइट right? ये कैंसिल हो गया ठीक है तो रिमाइंडर क्या रह गया माइनस फाइव एक्स ठीक है सिक्स प्लस फोर इज इक्वल टू टेन ठीक है ये हमारे पास रिमाइंडर आ रहा है क्योंकि जो वेरिएबल है रिमेंडर में ठीक है उसकी पावर क्या है एक्स पावर वन है लेकिन जो डिवाइजर आ रहा है इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो टू है तो अगर मैं इस डिवाइजर को वन के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगी तब भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो टू ही आएगी राइट तो इस केस में हमारे पास क्वेश्चन क्या आ रहा है क्वेश्चन इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू और रिमाइंडर Minus five x plus ten.